हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल अपर्णा तनवर मेकओवर, जहां हम बातें करते हैं मेकअप, ब्यूटी, फैशन एंड बहुत सारी लेडीज की चिट चैट होती है हमारी यहाँ इस चैनल पर एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे शाम को ठीक 5 बजे ये वीडियो अपलोडिंग का टाइम है, यानी हमारे मिलने का टाइम है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आप जो है थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं मैक फाउंडेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इस फाउंडेशन से रिलेटेड मेरे पास, ये बताइए वो बताइए इस फाउंडेशन के बारे में। सो आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे मैक के बारे में। आपको कुछ शेड्स बताऊंगी जिन्हें मिक्स एंड मैच करके आप जो है टोटल ओवरऑल काफ़ी सारी जो है इंडियन स्किन टोन्स को कवर कर सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, शेड्स जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आप पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, सो मैं हूं अपर्णा तनवर, अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट, और मेरे इस चैनल पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती है मेकअप, हेयर और हेल्थ, सब आपके जितने इश्यूज़ होते हैं लेडीज़ के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस चैनल पर। सो कुछ भी अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पर, चाहे वो स्टोरीज़ की हो, कम्युनिटी टैब की हो या फिर वीडियो अपलोडिंग की हो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं अपलोड करती हूँ टोटली डिफरेंट कॉन्टेंट। सो वहाँ मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ की स्टोरीज ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ की स्टोरीज में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ होता है, नए ऑफर्स और जो भी नए प्रोडक्ट्स मैं लाती हूँ, सो उनका जस्ट एक छोटा सा रिव्यू और उनकी जो ओपनिंग होती है वो जो है मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो कीजिए, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज तनवर अपर्णा। सो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, यानी कि हम बात करने वाले हैं मैक फाउंडेशन के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ, ये कि आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि हम मैक के फाउंडेशन दे रहे हैं आपको 500 रुपये में दे रहे हैं, 1000 रुपये में दे रहे हैं। प्लीज़ गाइज, आप किसी की भी बातों में बिल्कुल मत आइए। सबसे पहली बात, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लीजिए, अगर आपको लेना है, आप पैसे लगा ही रहे हैं अपने, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट में लगाइए जिससे आपको फ़ायदा हो, आपका काम भी अच्छा होगा। बिकॉज मैक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ब्राइड्स के लिए अच्छा है। अगर आप इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, सो दे हैव ह्यूज रेंज ऑफ शेड्स ऑल्सो, सो सभी के शेड्स जो है मैक कंपनी में आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स पर लगाइए। और ऐसा अभी रिसेंटली मेरे एक फॉलोवर के साथ हुआ है, उसने मेरे साथ ये बात शेयर की है कि वो जो है मुझे 500 रुपये में मैक का फाउंडेशन दे रहे थे। सबसे पहले बात एक मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूं, मैक कभी भी अपने फाउंडेशंस पे या किसी और प्रोडक्ट पर कभी भी ऑफ नहीं देता है। मैक के फाउंडेशन आपको जिस रेट पे जो प्राइस है वो कंपनी दे रही है, आपको उसी प्राइस में मिलेगा, कहीं भी आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं आपको, जो बेच रहे हैं, वो भी आपको सेम वही प्राइस पे देंगे जो कंपनी आपको दे रही है, या फिर उससे 100-200 रुपये ऊपर लगा के देंगे, क्योंकि वो जस्ट अपनी अर्निंग के लिए वो लगा के देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि कई शहरों में इंडिया के जो है ये अवेलेबल नहीं है। सो इन चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहिए और किसी के भी बहकावे में मत आइए। मैक के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आप मैक के आउटलेट से ही लीजिए, तभी आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल भी किसी और के बहकावे में आकर मैक के प्रोडक्ट्स कहीं और से बिल्कुल मत लीजिए। ओके, मैक के आउटलेट के अलावा मैक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप नायका से ले सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं एंड दे आर ऑल ओरिजिनल, ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट हैं वो नायका आपको सेल कर रही है, सेम प्राइस पे सेल कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ये जो है आपका मैक का जो फाउंडेशन है, ये आपको अवेलेबल है नायका पर 52 शेड्स में, प्लस इसका जो प्राइस है वो है 2900, इससे कम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी के भी बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। बात हो गई शेड की, प्राइस की, अब बात करते हैं इनके फाउंडेशन की। फाउंडेशन को मैक कंपनी ने बहुत ब्यूटीफुली डिवाइड किया हुआ है दो तरीके की स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, दैट इज कूल अंडरटोन एंड वार्म अंडरटोन। सो NCW means neutral warm, that means ये cool undertone वाले foundation हैं जो कि pinkish tone में होते हैं, red tone में होते हैं, ये आते हैं आपके NW में।
एंड एन सी स्टैंड फॉर न्यूट्रल कूल, दैट मीन्स आपकी जो येलो टोन होती है वार्म अंडर टोन्स होती हैं, यानी हमारी इंडियन की स्किन टोन्स जो होती है वो मोस्टली वार्म अंडर टोन में होती है. सो ये आते हैं आपके एन सी में. कुछ गोल्डन टोन्स भी हैं, कुछ पीची टोन्स भी हैं. मैक के फाउंडेशन में कुछ बात ऐसी है कि उनकी जो फाउंडेशन है कूल होते हुए भी कुछ जो है टिंट देते हैं आपको वार्म अंडर टोन का, और वार्म होते हुए भी कुछ फाउंडेशन जो है टिंट देते हैं वो कूल अंडर टोन का. सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है. और मैक के फाउंडेशन की इतनी ह्यूज रेंज है, अगर आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं सो ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि कौन सा जो आपका जो शेड है वो आपका है और कौन सा आपको डिफर करेगा. सो इतनी रेंज होते हुए भी थोड़ा थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. सो अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके आउटलेट पर जाकर ही लें. बात करते हैं जो मेरे पास फाउंडेशन है मैक का. दिस इज मैक फाउंडेशन. ये आपको इस तरीके की बॉटल में मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है एंड दिस इज अ ग्लास बॉटल. और ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है 30 ml, और इस जो मेरा शेड है वो है NC30. NC30 जो है मुझे अपने लिए थोड़ा सा जो है लिटिल बिट डार्कर लगता है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, लगाने के थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है. इट्स नेचुरल विद लॉट्स ऑफ फाउंडेशन कि आपके थोड़े से फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं स्किन में पेनिट्रेट होने के बाद, थोड़ा सा जो है वो कलर चेंज करते हैं. सो ये जो है मुझे थोड़ा सा डार्क लगता है, सो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक टोन लाइटर लेना चाहिए था. बट एनी वे दिस इज ऑल्सो अ गुड फाउंडेशन. NC30 भी बहुत अच्छा है. ये येलो अंडरटोन में है, तो इसका जो फाउंडेशन है इसके साथ आपको पंप नहीं मिलता है, इस तरीके से ही मिलता है आपको ये फाउंडेशन. पंप जो है आपको अलग से लेना पड़ता है एंड दैट कॉस्ट आई थिंक सो 800 rupees 900 rupees, इस तरीके से जो है पंप जो है अलग से कॉस्ट करता है. सो यू कैन से दैट इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव फाउंडेशन जो आपको मिल रहा है, लाइक 45,000 से अबव आपको ये पड़ जाएगा अगर आप पंप के साथ लेते हैं तो. एनीवे ये फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो स्किन है आप उसको अच्छे से प्रेप एंड प्राइम करें, अच्छे से स्किन को जो है अच्छे से मॉइस्चराइज करें. मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा होना चाहिए स्किन में. हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने स्किन को और ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइंस पड़ जाती हैं, पैच पड़ जाते हैं, ब्लेंडिंग होने से पहले ही पैच पड़ जाते हैं. सो इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि पैच ना पड़े उससे पहले ही आप जो है इसे जल्दी से जल्दी ब्लेंड कर लें. और ये फाउंडेशन जो है ड्राई स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन पीपल. चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है, और मैं पहले अपने हेयर टाई कर लेती क्योंकि हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं जब आप मेकअप करते हैं तो. सो मैंने अपनी स्किन पर हाइलुरोनिक एसिड थोड़ी देर पहले ही अप्लाई कर लिया था. अब मैं लगाने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र. इसके लिए मैं ले रही हूँ सीटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जो भी आपकी स्किन के पे सूट करता हो. नाउ हमारी स्किन जो है वो ठीक से रेडी हो गई है, आप देख ही रहे हैं. तो अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ मैं ले रही हूँ अपना फाउंडेशन, और बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी मैं पहले क्योंकि एज़ यू नो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत जल्दी ड्राई होता है ये फाउंडेशन. सो और इसको अप्लाई करने के लिए मैं ले रही हूँ पैक का 306 ब्रश, और हम इसको जल्दी जल्दी से लगा कर फटाफट इसको अप्लाई करेंगे. ब्रश से तो अप्लाई हो गया है, अब मैं जो है स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ अच्छे से ताकि कहीं जल्दी से पैच ना बन जाए फेस पर. और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, फुल कवरेज फाउंडेशन है. आई थिंक अगर मुझे पार्टी में जाना हो सो ये कवरेज मेरे लिए एनफ है. सो दिस इज़ अ क्लोजअप लुक, आप देख ही सकते हैं.
ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने लगाया नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब की सा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन, लेकिन आपको यूज़ करने का तरीका सही आना चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्लस आपका एप्लीकेशन भी वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सो ये फाउंडेशन से बेटर कोई फाउंडेशन नहीं है, बिलीव मी। और आप इसको अपनी ब्राइड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। कहा जाए कि ये जो है 24 आवर फाउंडेशन है, लाइक 24 आवर फाउंडेशन कोई भी वैसे वियर नहीं करता है, 24 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर हम देखें तो आप एक पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाने के लिए बेसिकली रेडी हो रहे हैं, या किसी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन आपका 5 से 6 घंटे तक का होता है। और अगर शादी में आप ब्राइड का भी कर रहे हैं तो ब्राइड भी आप समझ लीजिए 8 घंटे का प्रोग्राम होता है ब्राइड के लिए भी, मॉर्निंग में 2-3 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक ब्राइड्स के लिए भी ये परफेक्ट रहता है, अगर आप 5-6 घंटे मान के चले तो अच्छी कवरेज है इसकी, अच्छा इसका होल्ड है और काफ़ी अच्छे टाइम तक चलता है ये। प्लस SPF भी है इसमें, मैं आपको क्लियरली बता दूँ 15 SPF है इसमें, और जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप डे में भी वेयर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी कवरेज भी दे रहा है, प्लस प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये फाउंडेशन जो है द बेस्ट फाउंडेशन है, मुझे लगता है कि ये जो है आपकी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके शेड्स जो हैं आप कौन से लें, जो आप मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक फेयर शेड लें और उसके साथ जो है बाकी के जो शेड्स हैं वो आप डार्क शेड्स लें। सो फेयर शेड्स जो आप ले सकते हैं वो है NC5 और NC10। बिकॉज हमारी इंडियंस की मोस्टली जो स्किन है वो येलो अंडरटोन में होती है, गोल्डन अंडरटोन में होती है, पिंक टोन में बहुत कम होती है, ऐसा बहुत कम होता है कि पिंक अंडरटोन की आपके पास कोई भी स्किन है। सो मोस्टली जो है आप येलो अंडरटोन वाली फाउंडेशन ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी ब्राइड्स पर भी, बिकॉज लाइट्स में येलो होता है और येलो कलर की लाइट में जो है थोड़ा सा अच्छी पिक्चर्स आती हैं। सो आप येलो अंडरटोन वाली फाउंडेशन ज़्यादा प्रेफर करें अगर आप कोई सैलून है, आप मेकअप आर्टिस्ट है, सो येलो अंडरटोन वाले आपके लिए बेस्ट। अब अगर आप येलो अंडरटोन का एक लाइट आपके पास हो गया तो डार्क कौन सा शेड होना चाहिए, डार्क शेड में आपको सजेस्ट करूंगी आप C55 शेड लें। अब C55 शेड और NC5 या 10 मिलाकर आप काफ़ी स्किन टोन्स जो हैं वो मिक्स एंड मैच करके ये फाउंडेशंस जो हैं आप कवर कर सकते हैं। इंडियन स्किन टोन जो है येलो अंडरटोन वाली काफ़ी अच्छे फाउंडेशंस हैं, गोल्डन टोन, वार्म टोन जो है इसमें सभी कवर अप हो जाएंगी आपकी ऑलमोस्ट। और अगर आपको पिंक टोन में चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी NW57। नाउ NW57 जो है वो एक पिंक अंडरटोन, कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन है। सो अगर आपके पास कूल अंडरटोन वाली कोई भी स्किन आती है सो उसके लिए प्रेफर रहेगा कि आप NC5, NC10 जो फेयर शेड ले रहे हैं उसमें जो है NW57 मिक्स कर ले, सो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये जो है आई थिंक सेकेंड लास्ट डार्केस्ट शेड है हमारा मैक का जो है पिंक अंडरटोन वाला। तो अगर आपके पास पिंक टोन वाली स्किन आती है सो काफ़ी सारे शेड आपके कवर हो जाएंगे अगर आप NW57 ले रहे हैं तो। और एक शेड अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूट्रल शेड ले सकते हैं, और अदरवाइज आप पहले वाले जो फाउंडेशंस मैंने आपको बताए थे 3 फाउंडेशंस उनसे भी मिक्स एंड मैच करके आप न्यूट्रल शेड मिक्स बना सकते हैं। लाइक अगर आपको न्यूट्रल टोन बनाना है तो एक फेयर कलर लीजिए, एक येलो टोन का लीजिए थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा पिंक टोन का लीजिए, तो तीनों शेड मिक्स करके आप जो है एक न्यूट्रल शेड बना सकते हैं। और अदरवाइज आप चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक न्यूट्रल शेड सजेस्ट करती हूँ, एंड दैट इज C8। ये न्यूट्रल शेड है प्लस ये गोल्डन अंडरटोन में आता है जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है, और इसमें आपकी न्यूट्रल शेड के साथ साथ आपकी जो है येलो अंडरटोन वाली स्किन भी काफ़ी कवर अप हो जाएंगी। सो ये तो थे शेड्स जो आप लोगों को अपने, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो ये शेड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं मिक्स एंड मैच करके, जो है काफ़ी स्किन जो है वो आप कवर कर सकते हैं इन 4-5 फाउंडेशन से। सो आई थिंक मैंने जो है मैक फाउंडेशन से रिलेटेड आपके सभी क्वायरीज जो है सॉल्व कर दिए होंगे, उम्मीद तो यही है आप लोगों की सभी क्वायरी सॉल्व हो गई हो। रदर देन दिस अगर आपकी कोई और क्वायरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो ये तो थी गाइज आज की वीडियो, आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी।
हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को प्लीज़ मेरे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।